दानिश कुरैशी जी, एक फैसला सरकार देती है और अब एक सरकार के आप तो दो सरकार ये फैसला लेकर आ गई है कि आपको नेम प्लेट लगानी होगी। ये नेम प्लेट लगाने का ही तो सिर्फ एक मसला है, आपको यही तो बताना है कि दानिश कुरैशी जी की अगर कोई दुकान है तो उस पर उनका नाम लिखा होना चाहिए, ग्राहकों को पता होना चाहिए कि भाई ये फला की दुकान है, मैं वहां जाकर ये सामान खरीद रहा हूं, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, कल भी हम लोग किसी और चैनल पे थे, भाटी साहब भी थे, मैं भी था, इवन शिवम भी थे, और कल भी हम यही सवाल कर रहे थे। भाटी साहब ने जो बात कही है वो बात मैंने भी कही थी और मैं फिर आज दोहरा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, जब तक हम लोगों को सोशल वो नहीं बनाएंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से ईमानदार नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट में तब्दील होगी, जो इस तरीके की घटनाओं के साथ में गलत गलत चीज़ों को निकल के आ रही है, ये चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है। अगर कानून से ही रोका जा सकता था तो आप देखिए, हमारे यहाँ कत्ल के कानून ऑलरेडी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हत्याएँ बंद नहीं हो रही, बलात्कार के कानून हैं लेकिन हत्याएँ बंद बलात्कार बंद नहीं हो रहे, मतलब कोई काम ऐसा बाकी नहीं है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लागू करने की कोशिश की थी, अगर वो उसी मोड़ पे वापस जाके खड़ी है तो मुझे लगता है कि इनकी जहनियत जो है उसमें सुधार करने की जरूरत है। रह गई बात दूसरे एक प्रदेश में, कांग्रेस के शासनकाल में, तो देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। 1980 के दशक के बाद मैदान में आई भारतीय जनता पार्टी, अगर 1947 में आप देखेंगे तो वो सारा काम इंडियन नेशनल कांग्रेस की। लेकिन दानिश जी, आपने कितनी खूबसूरती से देखिए इस बात को बयां कर दिया कि हमारे यहाँ कत्ल के भी कानून है फिर भी कत्ल होते हैं, बलात्कार के भी कानून है फिर भी बलात्कार होते हैं, तो यानी कि कानून छोड़ दें, देश में कानून ही ना हो, हम छोड़ दें सबको, ऐसे ही सामाजिक ताने बाने पर सबको छोड़ देते हैं? अरे कोई तो रोकेगा ना, दानिश कुरैशी जी निंदा करेंगे नहीं करेंगे उन लोगों की जो थूक मिला रहे हैं खाने में, थूक लगाकर रोटी सेक रहे हैं, यूरिन डाल रहे हैं जो लोग जूस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए, उनके लिए सख्त और कड़े कानून बनने चाहिए, उससे कोई परहेज या गुरेज नहीं है। लेकिन अगर 1947 है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल यही बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कही थी कि जो लोग 1947 की परिस्थिति का निर्माण कर बनाना चाहते हैं कि एक समाज को आगे मटकी लेके चलना पड़ेगा, पीछे झाड़ू लेके चलनी पड़ेगी, तो वो परिस्थिति का निर्माण हम नहीं होने देंगे। हम सब नाम उजागर करके ही तो जीते हैं, यही तो करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय के सामने लिख देंगे तो क्या बदल जाएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला समझाइएगा। अरविंद वाजपेयी जी के पास जा रही हूं, आपने कई सवाल उठा दिए थे, अरविंद वाजपेयी जी आप लोगों की मंशा पर सवाल है, ये कहते हैं कि आप लोग ये जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक समाज का आर्थिक तौर पर बहिष्कार हो जाए, ताकि आप समाज को बांट दें जाति और धर्म के आधार पर, तो यही तो डिफेक्ट है इनके चश्मे का, ये चश्मा जो है इनका राजनीतिक विरोध की तरफ घूम जाता है। अरे भाई, कानून तो सबके लिए बना हुआ ना, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, ये तो कहा नहीं कि सिर्फ मुसलमान लगाएंगे। अगर ये कहा होता जैसे कांवड़ यात्रा पे इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दे दिया, मैटर अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगर कानून सबके लिए लागू होगा तो ये आर्ग्यूमेंट इनको अवेलेबल नहीं है। समस्या गंभीर है, कौन लोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए सजा मिलनी चाहिए। कैसे रोका जाएगा, उसके लिए एक जेन्युइन प्रयास किया जा रहा है। अब उसको आप लपेटे में ले लो, तुष्टिकरण की तरफ से देखने लग जाओ और ये कह दो कि हिंदू मुस्लिम है, 1947 की परिस्थितियां क्रिएट की जा रही हैं, कहां तक ले गए उस बात को, इस बात पे ऐसा क्या है? आपको सबको समर्थन करना चाहिए कि ठीक है जी, एक प्रयास है, वो प्रयास ईमानदारी से लागू होना चाहिए, तभी तो ऐसे लोग डरेंगे। अगर कानून नहीं होगा तो समाज में अनार्की हो जाएगी। ये अभी हमारे साथी दे रहे थे मर्डर केस का एग्जाम्पल, कानून है तभी तो बड़ी लिमिटेड हत्याएं होती हैं और जो करता है उसको जेल में डाला जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। तो अगर जूस में ये इस तरह की हरकतें करके मिलावट करेंगे और पीने वाले को तो जानकारी है नहीं, और जूस ही क्यों, प्रसाद में भी अगर मिलावट बात होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसीलिए आंध्र गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर पास किया है ना कि कैसे प्रसाद बनेगा, कैसे बटेगा, क्या कहां से प्रोडक्शन आएगा, तो ये प्रयास सभी सरकारें करती हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वाजपेयी जी, आप लोग तो कर रहे हैं तो सीधा कर रहे हैं कि इस तरह की हरकत जो भी करेगा, अपने फैसलों को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। जी एस तोमर जी, आपकी सरकार एक फैसला लागू करती है, आपकी अपनी ही पार्टी
इंडिया अलायंस के साथी तो छोड़ दीजिए, भाटी जी की नाराजगी तो छोड़ दीजिए, आपके तो अपने ही साथी कहने लगते हैं कि हम तो हतप्रभ हैं कि कांग्रेस की सरकार ऐसा कर रही है। ये गलत है या सही है, पहले क्लियर कर दीजिए आप। राजी जी, हिमाचल के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से देशभक्ति स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, और हिमाचल की जो स्थिति वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मुद्दा जो है वो ये है कि जो यहाँ पर सीट वेंडर्स है उनके लिए पॉलिसी बनाने के पीछे सरकार की मंशा ये नहीं है कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या उनको आइडेंटिफाई करने का नहीं है कि ये पर्टिकुलर कौन सी कम्युनिटी है। सरकार का उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी हिमाचल आता है, कोई भी यहाँ पर बिजनेस करता है, यहाँ पर किसी भी तरह का जो रेडी फड़ी लगाता है, कोई भी काम करता है, तो उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, किस जगह पे वो बैठ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो ये तो सरकार के और पुलिस के रिकॉर्ड में होना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हमने कोई हिंदू मुसलमान को नहीं बांटना है हिमाचल में, ये चीज हमारा भी यही मतलब है, हम भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी आए उसको नाम पता होना चाहिए रेडी पटरी वाले का और दुकान वाले का। हमारी सरकार, हमारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का सरकार का ये फैसला है कि जो सीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनेगी उसमें जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन आदमी यहाँ पर आकर कौन काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की भी यही पॉलिसी है, उनकी भी यही पॉलिसी है, जो भी कोई आएगा पता होना चाहिए।